बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी विल डू कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स सिलेबस डी पेपर 2 मई जून 2022। ठीक स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम ये पेपर करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, इन 1920 द रनिंग कॉस्ट फॉर फ्रेडरिक कॉर वाज $52। 28% of the running cost were spent on insurance, 2/25 of a running cost were spent on maintenance, and $7,450 of the running cost were spent on tax. The remainder of the running cost was spent on petrol. Calculate the amount Frederick spent on petrol. ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गई, ये इसके अंदर जो है ना हमें उन्होंने दी हुई है, रनिंग कॉस्ट भी दी हुई है कार की, और ये रनिंग कॉस्ट के साथ जो है ना इन्होंने ये परसेंटेज में दी हुई है जो इंश्योरेंस पे स्पेंड हुई है, और जो मेंटेनेंस पे स्पेंड हुई है वो फ्रैक्शंस में प्रोवाइड की गई हुई है, और जो टैक्स है वो डॉलर्स में ही है। तो हमने जो बाकी की है ना रिमेनिंग कॉस्ट जो है ना स्पेंड हो रही है पेट्रोल पे, वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए जो हम परसेंटेज में है इसको भी हम जो है ना डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कि नंबर्स में, फ्रैक्शन को भी जो है ना इसमें होल नंबर्स में जो है ना हम कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है ना हम जो है ना इसको जो है ना फाइंड आउट करेंगे कि जो रिमेनिंग रह जाएगी इसमें से टोटल में से सबको माइनस कर देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हम इंश्योरेंस की फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये इधर परसेंट है, परसेंटेज का साइन ये ख़त्म हुआ, ये 100, और टोटल अमाउंट दिस वन, ठीक है। इसके साथ जो है ना हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी। स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। मल्टीप्लाई 5200 डिवाइडेड बाय 100 एंड वी गेट $1,456, ठीक है। ये हमारे पास आ गए 1456। नाउ स्टूडेंट्स, अब मेंटेनेंस की आ गई, मेंटेनेंस फ्रैक्शंस में है। ये 3/25 को आपने 5200 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, विच इज़ द टोटल अमाउंट। 3 × 5200 एंड डिवाइडेड बाय 25, वी गेट 624। ये अमाउंट आ गई 624, ठीक। अब जो है इसकी टैक्स पे जो स्पेंड की है वो हमें उन्होंने डॉलर्स में ही दी हुई है, इस सबको जो है ना वो हमने ऐड कर देना है, ठीक स्टूडेंट्स। टोटल जो है ना वो हमारी स्पेंडिंग हो गई। +7,740 टैक्स का भी, ठीक। ये टोटल स्पेंडिंग हमारे पास आई +1,456 एंड +7,740, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गई $2,820, ठीक। ये हमारे पास टोटल स्पेंडिंग आ गई। इसके बाद जो है ना हमने जो फाइंड आउट करनी है जो स्पेंड हुई है पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। ये टोटल अमाउंट थी रनिंग कॉस्ट थी, इसके अंदर से ये टोटल स्पेंडिंग माइनस कर देंगे तो वो जो है ना हमारे पास पेट्रोल की आ जाएगी, क्योंकि वही जो है ना रिमाइंडर है, रिमाइंडर ही हमने जो है ना इसमें फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स, पेट्रोल ही हमारा जो है ना वो रिमाइंडर है, -2820, ठीक है। ये हमने माइनस की 5200 -2820 एंड वी गेट 2380, ठीक फ्रेंड्स। और यही हमारे डॉलर्स में जो है ना वो आंसर है, ठीक है, 2380। Now students, part number 2, in 2021 the tax increased by 1.5%, calculate the tax in 2021। अब ये जो हमें दिया गया हुआ जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना टैक्स की 2022 की थी, ठीक है, उसमें जो था ना 740 जो था ना वो टैक्स था, लेकिन आप बता रहे हैं कि जो है ना टैक्स जो है ना इंक्रीज हो गया इतने परसेंट, 1.5%, तो 2021 में जो है ना वो कितना टैक्स होगा, ठीक है। टैक्स हमारा कितना था, ठीक है, टैक्स था 740,
ठीक है, इंक्रीज्ड बाय ये कितना हुआ है जो है ना, इंक्रीज ये इससे जो है ना हम 1.4740 से जो है ना 1.5% को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये परसेंट है तब नीचे 100, इसको लेट कर लेंगे 740 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 100 वी गेट 11.1। ठीक है, ये हमारा जो टैक्स है ना वो इंक्रीज्ड हो गया है। ठीक है, 2021 में जो है ना जो इंक्रीज्ड हुआ है ना टैक्स वो ये वैल्यू आ गई। ठीक, इसको जो हमारा ओरिजिनल टैक्स है उसमें 2022 का उसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये इंक्रीज्ड वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो फिर टैक्स इन 2021 740 प्लस 11.1, इसमें हमने ऐड किया 740 एंड वी गेट 751.1। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी, इन जनवरी द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज $2.20 पर लीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 38.7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल्स। जो जनवरी में हमें कॉस्ट दी गई है ना पेट्रोल की वो है 2.20 पर लीटर। ठीक है, हमने जो है ना 38.7 लीटर्स जो है ना पेट्रोल जो है ना उसकी जो है ना फाइंड आउट करनी है। ठीक फ्रेंड्स, ये हम इसको इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि ये देखें ये उन्होंने दी हुई है पर लीटर, 1 लीटर की इतनी है तो इसको 38.7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 1 लीटर ये है डॉलर्स, ठीक है, और 38.7 लीटर्स, 2.20 को जो है ना 38.7 से जो है ना वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2.20 मल्टीप्लाई बाय 38.7 वी गेट 85.14। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया वेरी सिंपल डॉलर्स में। नंबर बी, द एवरेज अमाउंट ऑफ पेट्रोल फेडरी कार यूजेस इज 7 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स। इन जनवरी ही स्पेंड $215.60 ऑन पेट्रोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द किलोमीटर ही ड्राइव्स इन जनवरी। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना वो एवरेज अमाउंट ऑफ पेट्रोल जो है ना वो दी गई हुई है कि जो है ना 7 लीटर्स दी गई हुई है जो उसमें जो है ना 100 किलोमीटर्स जो है ना वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, लेकिन अब जो इधर प्रोवाइडेड है हमें अमाउंट कि ये स्पेंड हुई है इस पर, तो जो है ना हमने डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो ये इस तरह होगा, 1 लीटर में जो है ना वो 1 लीटर की प्राइस है आपके पास 2.27। ठीक है, हम इधर से पहले 7 लीटर्स की प्राइस जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, 7 लीटर्स की जो है ना 2.20 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 के साथ, टू जीरो मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 15.4। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया आंसर 15.4। अब जो है ना ये 100 किलोमीटर जो है ना वो हम ट्रैवल कर रहे हैं कितने डॉलर्स के अंदर, 15.4। ठीक, और 1 किलोमीटर जो है ना जी, ये सारी अमाउंट आ गई हमारे पास जो है ना कि ये 15.4 डॉलर्स आ गए जिसमें जो है ना 100 किलोमीटर्स में जो है ना इतने पैसों में कर सकते हैं क्योंकि हमने अमाउंट से जो है ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, अब जो है ना हम इधर कह रहे हैं कि 1 डॉलर से जो है ना वो हम कितने किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड जो है ना आप अप्लाई कर लें कि पहले 1 में कन्वर्शन कर लें। ठीक है, ये 15.4 हो गया, 1 डॉलर में जो है ना वो हम जो है ना 100 जो है ना ये इसको डिवाइड करेगा, और अगर इतने हमने डॉलर्स की बात करनी है ठीक है तो हम साथ उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये इधर है डिस्टेंस, ये भी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जो है ना 1 डॉलर, ये हो गया, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 215.6 डॉलर जो है ना इसका जो है ना ये इस तरह 100 को डिवाइड किया 15.5 से और ये 2.60। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 215.60 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 15.4
ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया आंसर 1400। ठीक है, ये जो है ना इतने पैसों में जो है ना वो हमने इतने जो है ना वो डिस्टेंस कवर किया। ठीक स्टूडेंट, सेकंड पार्ट इज सॉल्व। थर्ड पार्ट, इन फरवरी द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस टू $2.24 पर लीटर। ठीक है, अब जो कॉस्ट है ना वो इंक्रीज हो रही है इतनी पर लीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फ्रॉम जनवरी टू फरवरी। अब हमने जो है ना परसेंटेज इंक्रीज जो है ना फाइंड आउट करनी है। आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज्ड वैल्यू के जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइड जो इंक्रीज्ड वैल्यू उसको डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब वो आ गई परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2.24। ये हमारे पास जो अमाउंट है, ठीक है, इसमें से जो है ना हमने ये वाली जो है ना जनवरी वाली जो है ना वो माइनस कर देनी है। ठीक है, ठीक, आप डायरेक्ट माइनस करके भी ऊपर वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 2.20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 2.24 माइनस 2.20, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 104 एंड डिवाइडेड बाय 2.20। ठीक, ये मेरे पास आ गया आंसर 1.182। ठीक है, ये 8 है, ये मैंने राउंड ऑफ करके जो है ना इसको जो है ना 2 कर लिया। ठीक है, ये आ गया 1.82%। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्वड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, हेयर आर द फर्स्ट फोर पैटर्न इन अ सीक्वेंस मेड यूजिंग ग्रे टाइल्स एंड वाइट टाइल्स। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना वो हमें पैटर्न दिए गए हैं जिसके अंदर जो है ना वो ग्रे टाइल्स भी हैं और जो है ना वाइट टाइल्स भी। ठीक, पार्ट नंबर ए में हमने करना है कंप्लीट द टेबल फॉर द फर्स्ट 5 पैटर्न इन अ सीक्वेंस। पार्ट नंबर ए में जो है ना हमने जो है ना ये सीक्वेंस जो है ना फर्स्ट 5 पैटर्न जो है ना वो पहले कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को अगर हम नोटिस करें तो ये क्या डिफरेंस आ रहा है, 6 में अगर हम 4 का डिफरेंस आ रहा है और इधर भी हम देखें कि जो है ना वो 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इट्स मींस के इसमें जो है ना वो हमने प्लस 4 करना है। ठीक, इट्स मींस के आगे भी हम प्लस 4 करेंगे। ठीक है, और इधर से भी आगे जो है ना वो हम प्लस 4 करेंगे। ठीक है, 14 में 4 प्लस करें वी गेट 18 और 18 में 4 प्लस करें वी गेट 22। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये नेक्स्ट वाला वाइट टाइल्स का अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इधर से 6 का डिफरेंस आ रहा है तो आगे से जो है ना वो 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इट्स मींस के 6 में जो है ना डिफरेंस के अंदर जो है ना 4 को जो है ना वो हमने ऐड किया। ठीक है, और फिर आगे हमने जो डिफरेंस लाना है इस डिफरेंस 10 के अंदर हमने 4 और फर्दर ऐड कर देना है। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। ठीक, ये इधर 6 आया और ये इधर जो है ना हमने 10 ऐड किया। ठीक है, 10 के ऐड करने से जो है ना ये 3 आ रहा है। आगे जो है ना वो हमने 14 किया और उसके 14 के बाद जो नेक्स्ट है ना उसमें 3। ठीक है, इस डिफरेंस के अंदर हमने जो है ना वो 4 को ऐड करना है। ठीक है, 18 के अंदर हमने 14 को ऐड किया तो वी गेट 32 और इसमें हमने 18 को ऐड किया तो वी गेट 50। ठीक, नेक्स्ट आ गया जो है लास्ट वाला टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो है ना वो हमने कैलकुलेटर से जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर में हमने इनको ऐड कर लेना, 18 प्लस 32 वी गेट 50, ये 50 आ गया और फिर आ गया 22 प्लस 50 एंड वी गेट 72। ठीक है, ये इधर 50 और 72 आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा ये पार्ट हो गया, हमने टेबल को कंप्लीट कर लिया। बी पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ ग्रे टाइल्स इन पैटर्न एन। ठीक है, हाँ जी, जो टर्म एन के लिए फर्स्ट डिफरेंस के लिए फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास जो है ना ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक, डी है हमारे पास डिफरेंस, एन nth टर्म और ए जो है ना हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के अंदर तो फिर हमने इसमें राइट डाउन किया 6 प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस हमारे पास जो है ना वो आप देखें सब में 4 का डिफरेंस आ रहा है। हमने इधर 4 राइट डाउन कर लिया, इसको जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इसको जो है ना वो हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आया 6 4n-4। ठीक है, ये tn आ गया हमारे पास 6 में से 4 -2 + 4n। ठीक है, 4n + 2। फ्रेंड्स ये अब हम इधर इसको राइट डाउन कर देंगे, 4n + 2। ठीक, ये हमारा जो है ना वो आंसर आ गया, हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर ली इन टर्म ऑफ एन में। ठीक है, अब जो भी इधर हम रख के कोई भी वैल्यू रख के किसी भी टर्म की जो है ना इससे जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, पैटर्न के हैज़ 98 ग्रे टाइल्स, फाइंड के। जो है ना वो बता रहे हैं कि पैटर्न के में जो है ना वो कितनी है, 98 ग्रे टाइल्स हैं और हमने के फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि कौन सी टर्म था, एन हो गया के हो गया, बात एक ही कि ये कॉन्स्टेंट हमें वो आ गया ना हमारे पास, कोई टर्म आ गई जो हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो इट्स मीन्स के 4n 4k राइट डाउन कर लें आप इधर। ठीक है, 4k + 2 कितने के इक्वल है, 98 ग्रे टाइल्स है। ठीक है, पैटर्न के, ठीक है, इसकी ग्रे टाइल्स है। अब ये कौन से नंबर का पैटर्न है वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, 98 - 2 96 एंड 96 डिवाइडेड बाय 4 एंड वी गेट 24। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। ये 24th वाला जो है ना वो पैटर्न है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इन पैटर्न एन। ठीक है, अब पैटर्न एन के अंदर जो है ना वो हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है वाइट टाइल्स की ना इन टर्म्स ऑफ एन में। ठीक है, आगे हमने ग्रे टाइल्स की फाइंड आउट की थी, अब जो है ना हमने वाइट टाइल्स की फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, अगर इधर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना ये इसकी थी सीक्वेंस है इसका। ठीक, इसको ज़रा हम इधर इधर राइट डाउन करें, 2 8 18 32 50। ठीक है, ये आपने इसका डिफरेंस देखा था, ये इसका आया 6, ये इसमें +10 करके आया। ठीक है, ये इधर 10 का था, फिर ये 14 और ये 18, इनमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है इस डिफरेंस के अंदर। लेकिन अगला हम डिफरेंस देखें जो सेकंड वाला 4 4 4 और आगे भी 4। ठीक है, इट्स मीन्स के जो सेकंड वाला डिफरेंस है ना उसमें जो है ना सीक्वेंस आ रहा है 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो होता है ना डिफरेंट फार्मूला होता है। पहले हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन वाला किया था, सेकंड वाले के लिए जो है ना वो डिफरेंट फार्मूला होता है। और वैसे आप जो ये टर्म्स है ना आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं। देखें इस इधर जो है ना ये 1 है वाइट टाइल। ठीक है, इधर जो है ना 4 है, इधर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 9 है और इधर जो है ना इधर 16 है। ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये 1 का स्केयर बन रहा है। ठीक, ये 2 का स्केयर, ये 3 का स्केयर और ये 4 का स्केयर, जो नेक्स्ट आएंगे उसके इसमें जो होगा ना 5 का स्केयर होगा। ठीक है, तो वो हम nth वैल्यू को जो है ना nth वैल्यू का स्केयर और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 इसकी सेकंड साइड। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं और ये आपको प्रैक्टिस अगर आप इनकी करेंगे तो ये बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूँ सेकेंड टर्म के अंदर जो है ना इसका जो है ना वो फार्मूला भी हो सकता है, अप्लाई करके भी आप जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसमें जो है ना इसकी वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे। ठीक है, nth टर्म ये a है, a आपको पता है कि ये सबसे वाली फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है ना वो 2 है। ठीक है, ये हमने इधर राइट डाउन किया 2 + n-1, जो फर्स्ट डिफरेंस है वो हमारे पास है 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 6 और d2 जो हमारा सेकेंड डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा जो है ना वो 4 आ रहा है। ठीक है, उसको डिवाइड किया 2 से और n-1 और n-2। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना आप इसको सॉल्व कर लें, ये इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो यह आया 2 + 6n-6, ये 2 हो गया, 2 ने अब मल्टीप्लाई होना है, इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें एंड वी गेट n² - n - 2n + 2। ठीक है, ये -3n हो गया, टी एन ये इससे जो है ना ये माइनस हुआ, ये 6n - 4, अब इससे जो है ना अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक स्टूडेंट्स, ये -2n²
ठीक, ये माइनस इसे 6 हो गया, माइनस 6n, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हुए, 3 2 3n हो गया, 3n 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6n हो गया, और ये जो है ना +4। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हम देखें तो ये 6n को कैंसिल कर रहा है, -4 4 को कैंसिल कर रहा है, और लेफ्ट क्या रह गया हमारे पास 2n2। ठीक स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले से आ गया, और मैंने ये विजुअलाइजेशन से भी आपको बता दिया था कि ये 2n2 आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट इज सॉल्व। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इन पैटर्न 20। इसके अंदर जो है ना हमने 20 पैटर्न की जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये हमारे पास ये था, इधर हमने 20 की जगह राइट डाउन करना, 20 का स्केयर लिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स 20 पैटर्न्स की जो है ना बतानी है। ये हमने ग्रे की भी फाइंड आउट करनी है और वाइट की भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये अभी मैं फर्स्ट वाइट की कर रही हूँ। वाइट की हमने की टोटल वाइट टाइल्स। ठीक है, यह है 20 × 400, ये मेरे पास आ गई 800। ठीक स्टूडेंट्स, ये मेरे और टोटल ग्रे टाइल्स, ठीक है, उसका जो था ना वो फॉर्मूला था 4n+2। ठीक है, इसके अंदर हमने 20 राइट डाउन किया और +2, ये आया 80 + 2 = 82। ठीक है, तो फिर टोटल टाइल्स हो गई हमारे पास 800 + 82। ठीक है, 800 के अंदर हमने 82 प्लस करना, तो ये मेरे पास आ गया 882। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ई पार्ट इज आल्सो सॉल्व्ड एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज डन नाउ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दी ग्राफ शो दी कॉस्ट इन डॉलर ऑफ बाइंग अ लेंथ ऑफ फैब्रिक 3 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, ये हमें ग्राफ दिया गया है जो कि हमें शो कर रहा है कॉस्ट इन डॉलर्स में, जिसमें हम बाइंग कर रहे हैं फैब्रिक लेंथ जो है ना वो 3 मीटर्स। ठीक, और फाइंड आउट हमने करना है, यूज़ दी ग्राफ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग 3.8 मीटर ऑफ फैब्रिक। ठीक है, ग्राफ को यूज़ करते हुए हमने जो है ना वो 3.8 मीटर ऑफ फैब्रिक की जो है ना वो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये इधर आ गया 3.8। ठीक, ये इधर इसको इधर, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये तकरीबन जो है ना वो मेरी 28 आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो मेरी कॉस्ट आ रही है ना, ये आ रही है $28। ठीक, अब नेक्स्ट आ गया, समीरा बाइज 8 मीटर्स ऑफ फैब्रिक्स, के मीटर्स ऑफ फैब्रिक शी पेज विद अ $20 नोट एंड रिसीव 1.50 चेंज। यूज द ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, पहले तो आपने अमाउंट फाइंड आउट करनी है ना, इतना उसने वापस उसको कर दिया, इट्स मीन्स के 20 के अंदर से जो है ना वो हमने माइनस करने हैं 1.50। ठीक, 20 - 1.50 एंड वी गेट 18.5। ठीक है, ये हमारे पास आ गए $18.5 चेंज। ठीक है, अब इधर से 18.5 को जो है ना वो हमने देखना है, ये 10 और ये 18, इधर 8 और ये 5 मिडल इसका। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना आपने इधर ले जाना है। ठीक है, ये 18.5। ना इसको जो है ना इधर मैच कर देना है। ठीक स्टूडेंट्स, इधर से जो है ना हमारे पास जो है ना वो केक की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये 2.5 आ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारे पास जो है ना ग्राफ की वैल्यू उसको यूज़ करते हुए हमारे पास आ गई 2.5 मीटर्स। ठीक है, के हमारे पास जो है ना वो 2.5 आ गया ग्राफ। फ्रेंड्स, पार्ट नंबर बी, अनीता कट्स 10 मीटर ऑफ फैब्रिक इनटू 3 लेंथ्स टू मेक अ ब्लाउज अ शर्ट एंड अ ड्रेस। अ फैब्रिक है हमारे पास जो है ना वो 10 मीटर है, इसने जो है ना उसको कट की है ब्लाउज बनाने के लिए, उसकी एक ब्लाउज, एक शर्ट और एक ड्रेस बना है। ठीक, द लेंथ ऑफ द फैब्रिक नीडेड टू मेक द ब्लाउज द शर्ट एंड द ड्रेस आर इन द रेशो। ठीक है, जो वो है ये ब्लाउज की, ये स्कर्ट की
और ये जो है ना ड्रेस की ये रेशियो है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फैब्रिक दैट इज कट टू मेक द ड्रेस, ठीक है। वो कह रहे हैं ड्रेस की जो है ना वो फाइंड आउट करें आप लेंथ, ये रेशियो दी है, इससे हमने जो है ना उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके लिए आपको पता ही हमने ड्रेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। टोटल जो ड्रेस की है रेशियो में गिवन, इसको हमने डिवाइड करना है टोटल रेशियो के साथ, ठीक है। टोटल है 6, 8 + 11 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमें लेंथ प्रोवाइडेड है, ठीक है। 10 ये लाया आया, इसको प्लस करें तो वी गेट 25 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये हमारे पास आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25 एंड वी गेट 4.4 मीटर्स, ठीक स्टूडेंट्स। ड्रेस की हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई 4.4 मीटर्स, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बी पार्ट इज सॉल्वड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, द अपर बाउंड फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फैब्रिक इज 8.8125 मीटर्स स्क्वायर। ये अपर बाउंड दी गई हुई है हमें रेक्टेंगुलर पीस ऑफ फैब्रिक की ना, और द विड्थ ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक इज 2.3 मीटर्स करेक्ट टू नियरेस्ट 0.1 मीटर, ठीक। द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक इज डी मीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 मीटर, ठीक। इट्स मीन्स 0.1 मीटर्स को जो है ना वो हमने 2 से डिवाइड करके जो है ना वो हमने इसकी अपर बाउंड जो है ना बनानी है, क्योंकि हमें जो है ना ये जो ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो अपर बाउंड में दी गई हुई है और हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ डी, ठीक स्टूडेंट। सबसे पहले जो है ना वो हमने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। वैल्यू एरिया का हमें जो है ना वो एरिया गिवन है और एरिया का जो है ना वो हम जो है ना फार्मूला जो है ना अप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ डी फाइंड करने के लिए, ठीक। एरिया क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। लेंथ भी दी गई, विड्थ भी दी गई और लेंथ डी दी गई है जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया है हमारे पास जो है ना 8.8125 मीटर स्क्वेयर्स, लेंथ जी लेंथ हमारे पास है डी दी गई है जिसके अंदर जो है ना हमने 0.1 डिवाइडेड बाय 2 को ऐड करना है अपर बाउंड के लिए। ये हम जो चीज़ है ना वो ऐड करते हैं अपर बाउंड के लिए, ठीक। और विड्थ है हमारे पास 2.3, इसको भी हमने अपर बाउंड बनाना है ये, क्योंकि हमें जो एरिया दिया गया हुआ है वो अपर बाउंड में दिया गया हुआ है, ठीक स्टूडेंट्स। इसको ज़रा हम थोड़ा सॉल्व कर लें, इसको 8.8125, ठीक है। ये तो अभी 2, ठीक, ये सॉल्व किया 2.3, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 या 0.05, ठीक है। इसको हमने ऐड किया 2.3 में, तो यह आंसर आ गया 2.35, ठीक स्टूडेंट्स। ये इधर आ गया 2.35, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डी 0.12 8.8125 डिवाइडेड बाय 2.35, ठीक है। 8.8125 डिवाइडेड बाय 2.33 वी गेट 3.7, ठीक है। ये मेरे पास आया डी प्लस 0.172, ठीक है। ये जो है ना मैं इसको जो है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है ना अभी राइट कर रही हूँ इधर से, ठीक है। 3.7822, ठीक स्टूडेंट्स। इधर तक ये इसको भी डिवाइड करके जो है ना वो 0.05 आ जाता है, इसको हम इधर जाके माइनस कर देंगे। 3.7822 माइनस 0.05, ठीक है। ये माइनस किया 3.7822 माइनस 0.05, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, डी की वैल्यू आ गई 3.73, ठीक स्टूडेंट्स। ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई जो फाइंड आउट करनी थी, वो मैं अब इधर राइट डाउन कर लूँगी, ठीक है। 3.73। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो डन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड हैज डिमेंशन एक्स सेंटीमीटर बाय एक्स सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्स।
अब इधर हमें उन्होंने क्यूबाइड, क्यूबाइड आपको पता है शेप रेक्टेंगल की तरह की जो 3D शेप होती है वो क्यूबाइड, ठीक है, उसकी थ्री साइड्स जो है ना उन्होंने हमें दी हुई है, दो जो है ना वो एक्स दी हुई है और थर्ड वाली जो है ना वो 10 दी है, वही है ठीक। वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड भी आपको प्रोवाइडेड है, इट्स मीन्स के जो है ना वॉल्यूम किसके इक्वल है, और हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। वॉल्यूम हमें प्रोवाइडेड है 62.5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स के 10, ठीक है, 62.5 जो है ना वो 10 से डिवाइड हुआ, इससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया एक्स केयर 6.25, ठीक है। ये आप इसका अंडर रूट ले लें, ठीक है, बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स ये ख़त्म हो जाएगा 6.25 एंड वी गेट 2.5, ठीक, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 2.5, ठीक स्टूडेंट्स, ये बाय टेकिंग अंडर रूट, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर ए सॉल्व्ड। बी पार्ट, अ पीस ऑफ अ कार्ड ए ओ बी, ए ओ बी इज अ पीस ऑफ अ कार्ड, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये जो है ये एक सर्कल का जो है ना वो सेक्टर है, ठीक है, सेक्टर हिस्सा जो सर्कल का होता है, ठीक है। सेंटर ओ विद एंगल 84 एंड द रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटर भी आपको दिया हुआ है एंगल का और जो है ना उसका रेडियस भी आपको दिया गया हुआ है। शो डैट द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज, ये अब हमने शो करनी है कि ये जो आर्क लेंथ है ना ये किसके इक्वल है, 75 जो है ना 7 पाई के इक्वल है, ठीक, 7 पाई सेंटीमीटर के इक्वल है। इधर जो है ना वो हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला पाई 180 सॉरी थीटा 180 पाई आर, ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसका फॉर्मूला हो गया। थीटा की वैल्यू हमें इधर प्रोवाइडेड है 84, ठीक, और रेडियस भी हमें गिवन है जो है ना 15, ये वैल्यूज हम राइट डाउन करेंगे और इसे फाइंड करेंगे, एंगल है 84 और ये 15, इसको ज़रा सॉल्व कर ले, 84 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 180, ठीक स्टूडेंट्स, वी गेट 7, ठीक है, पाई को क्योंकि इन टर्म ऑफ पाई हमने वैल्यू जो है ना वो सॉल्व करनी है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 7 पाई, ठीक स्टूडेंट्स, यही हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी, यही जो है ना इसका आंसर है 7 पाई हमने शो कर दिया, ठीक है। शो डैट द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करके ये 7 पाई के इक्वल आ गया। सेकेंड पार्ट, ओ ए इज जॉइंट टू ओ बी टू फॉर्म द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ कोन, कैलकुलेट दी रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। अब जो है ना वो आपको दे रहे हैं कि ये जो है ना ओ ए जो है ना आपने ज्वाइन करना है इसके साथ, ठीक स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है ना इसके साथ ज्वाइन हो गई और ये जो है ना टू फॉर्म द कर्व सरफेस ऑफ द कोन, और ये क्या बना रही है, एक कर्व सरफेस बना रही है कोन की ना, ठीक जी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको ज़रा विजुअलाइज करें, देखें ये ओ ए को जो है ना वो हम जो है ना बी के साथ, ओ बी के साथ जो है ना वो अटैच कर रहे हैं, और ये देखें ये पूरे का पूरा जो है ना यूँ करके जो है ना वो सर्कल जो है ना वो बन रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके जो होता है ना कोन का, कोन का कह लें वो फेस जो है ना वो एक सर्कल गोल बन रहा है, और ये है क्या आर्क लेंथ है, और यही जो है ना वो सर्कल पूरा बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे इसको ज्वाइन करते हैं इसको इसके साथ, ठीक है, तो ये ऊपर जो है ना एक बिल्कुल यूँ सर्कल सा बन जाता है और यही जो है ना वो आर्क लेंथ है, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि आए कि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसकी इक्वल हुई, आर्क लेंथ की इक्वल हुई, ठीक स्टूडेंट्स। जो सर्कमफ्रेंस है इधर ये हमारे पास ये बात आ गई इसको विजुअलाइज करने से कि अगर जो है ना ये इसके साथ अटैच होता है ए और बी, ये जो है ना यूँ एक सर्कल बन जाता है, ठीक है, ये जो यूँ सर्कल बन जाता है, ये सर्कल बनता है तो ये किसकी इक्वल है, आर्क लेंथ की इक्वल है, ठीक स्टूडेंट्स। तो फिर जो है ना वो हम इधर राइट कर सकते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल है, आर्क लेंथ के, ठीक। सर्कम जो है ना सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला वो है 2 पाई आर, और आर्क लेंथ अभी आपने फाइंड आउट की है 7 पाई, ठीक स्टूडेंट्स। आपने इधर फाइंड करना है रेडियस, ठीक, ये पाई ने इसको कैंसिल किया, 7 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 3.5, ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर,
जी स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट है फाइंड दी हाइट ऑफ द कोन। ये जो है ना, हमने हाइट जो है ना वो कोन की जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, इसको अगर यूँ हम देखें तो ये जो है ना बन करके ये जो है ना ऐसे कोन बन रही है। ठीक है, हमने जो है ना ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस अभी आपने फाइंड किया इसका। ठीक है, रेडियस भी फाइंड कर लिया। और ये देखें, ये ओ ए ओ बी इसके इक्वल है, तो ओ ए अगर इसको बन करके तो दोनों साइड्स जो है ना ये 15 15 हो गई। इट्स मीन्स कि ये 15 है, ये रेडियस भी अभी हमने फाइंड आउट किया जो कि 3.5 आया है। ठीक है, और ये हाइट जो है ना वो हमने जो है ना फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, तो जो है ना फिर हम इसके ऊपर जो है ना पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और इसको जो है ना फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 15 का स्क्वायर किसके इक्वल है, ये 8 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर जाके 15 के स्क्वायर से माइनस होगा 3.5 का स्क्वायर, और फिर हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है ना वो हाइट आ जाएगी। ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लें। 15 का स्क्वायर आया 225 माइनस 13.5 का स्क्वायर, जी 3.5 का स्क्वायर 12.25। ठीक, 225 माइनस 12.25 वी गेट 212.75 बाई टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, अंडर रूट लेके हमने ये हमारे पास आ गया 14.5। ठीक है, ये 8 है, इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये आया 14.6 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने जो है ना इसकी हाइट भी फाइंड आउट कर ली। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी, एन एम्प्टी बैरल इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर हैज़ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। द बैरल इज फिल्ड विद वाटर एट अ रेट ऑफ 1500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। Calculate the time taken to complete fill the barrel. Give your answer in minutes and second. Correct to the nearest second. अब ये empty barrel है जिसकी shape क्या है, cylinder की। उसका radius और height हमें given है और साथ rate given है। ठीक है, कि इतने rate में जो है ना वो इतने minute में जो है ना इतना fill कर रहा है। लेकिन हमें ये उसका जो है ना given क्या time जो हमने calculate करना है वो time calculate करना है। ठीक है, लेकिन volume नहीं given कि उसने कितना वो जो है ना वो fill up करना है। ठीक स्टूडेंट्स, उसके लिए पहले जो है ना ये हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम इधर पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर की स्क्वायर एच। ठीक है, पाई और ये इधर 20 की स्क्वायर एच भी हमें प्रोवाइडेड है 80। ठीक है, ये वैल्यूज हमने इधर राइट डाउन की तो जो है ना अब इनको हम कैलकुलेट कर लें। 20 स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाई 80 एंड मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14159। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो है ना इसकी, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आ गया 530.8। ठीक, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आ गया। अब जो है ना वो हम हमें बता रहा है कि जो है ना ये इधर गिवन है, रेट गिवन है। ठीक है, 5500 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो फिल्ड कर रहा है वाटर को कितने, 1 मिनट में। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में फिल्ड कर रहा है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने में फिल्ड करेगा। ठीक है, फिल्ड वाटर ये 1 बाई इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जब हमने इस वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है तो इट्स मीन्स कि हमने जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 30.8 सेंटीमीटर क्यूब फिल्ड वाटर मल्टीप्लाई बाय 1005 30.8। ठीक है, इससे जो है ना आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड करेंगे इसको 5500 के साथ एंड वी गेट 18.27। ठीक है, अब उन्होंने जो है ना आंसर, ये भी आपने ध्यान से ये चीज़ नोट करनी है कि जो है ना उन्होंने हमें आंसर बोला हुआ है कि जो है ना हमें आंसर देना मिनट्स में और सेकंड्स में। ठीक है, और ये जो हमने आंसर फाइंड आउट की है ना, ये जो सारा है ना हमारे पास जो है ना वो मिनट्स में आ रहा है। ठीक है, ये 18.278 जो है ना ये हमारे पास मिनट्स में आ रहा है।
30 मिनट्स, ये हमारे पास मिनट्स तो आ गए 3 मिनट्स। अब इस वाली चीज़ को जो है ना वो हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, और ये वाली जो है ना इसको हमने जो है ना 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, 3 भी लगा लें, ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा। 2783 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड वी गेट 16.698। ठीक है, इसको राउंड ऑफ अगर हम करके लिखें तो इधर 6 है तो ये 17 हो रहा है। ठीक है, ये 18 मिनट्स हो गए और 17 सेकंड्स। ठीक है, इसको जो है ना सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स था मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास 6.98 आया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 18 मिनट्स एंड 17 सेकंड्स जो है ना इसका हमने सी पार्ट का भी जो है ना आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यू फॉर। ठीक, ये अब पहले सबसे हमने इसमें टेबल कंप्लीट करना है। इधर हमें सिर्फ एक वैल्यू जो है ना वो गिवन नहीं है। ठीक है, ये एक्स की है -3, ये आप इसमें राइट डाउन करेंगे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x+3, एक्स की है -3, -3 का क्यूब 4 -3+3। ठीक, ये हो गया -27 +12 और +3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये अब हम इसको ऐड करें। ठीक है, कैलकुलेट कर लें, तो ये -27 + 12 + 3, वी गेट -12, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -12। ठीक स्टूडेंट्स, ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। नाउ स्टूडेंट्स ड्रा द ग्राफ। अब ये हमने ग्राफ ड्रा करना है, पॉइंट्स हमें गिवन है -3 से 3 तक। ठीक है, -3 पे है -12। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है -3, ये देखें ये -3 है। इसको हम करें तो ये इधर आ रहा है, ये जो है ना एक स्मॉल ब्लॉक जो है ना वो हाफ के इक्वल और 2 जो है ना 1 के इक्वल, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। ठीक, तो ये 10 -12 है, ये 2 11 और ये 12। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ गया -12। -3 पे -12, नेक्स्ट वाली वैल्यू है -2 पे 3। ठीक है, -2 पे 3 ये आ गई। ठीक है, ये इधर, ठीक 2 2 के डिफरेंस है, ये इधर आ गई। फिर है -1 पे 6, ये 5 और ये 6। ठीक स्टूडेंट्स, इधर है 0 पे 3, 0 और ये 3। फिर है 1 के ऊपर 0 वैल्यू। ठीक, ये एक्स एक्सिस का 1 और ये 0 वाई एक्सिस का, और फिर है 2 पर 3, 2 पर ये 3। ठीक स्टूडेंट्स, फिर है 3 पर 18, दिस इज 3 एंड ये 15 16 17 और ये 18। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो है ना हमने इसका स्मूथ जो है ना वो कर्व जो है ना वो ड्रॉ कर लेना है। ठीक, ये वैल्यू इधर से ज्वाइन करते हुए, ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये वैल्यूज ज्वाइन करते हुए जो है ना ये इस तरह आ गई। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब जो है ना हमने जो है ना अपना जो है ना ये फाइंड करना है, ये एक्स की क्यूब -4x+3। ठीक है, ये जो है ना वैल्यू, इस वैल्यू से जो है ना उन्होंने आगे हमें जो है ना बाय ड्राइंग अ सूटेबल, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी, बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमने इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन का जो है ना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब जो है ना हमने इस वाली वैल्यू से जो है ना वो पहले हमने एक्स की वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये देखें, ये इधर हमारे पास एक्स की क्यूब -4x और इधर भी एक्स की क्यूब -4x। ठीक है, ये -4x+3, ये हम इधर ले गए इसको ना, तो x-3 जो है ना वो किसके इक्वल है, एक्स की क्यूब -4x। ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह पर हम y की वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन लगानी है, हमने वो एक लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने राइट आउट किया y-3 -2 = 0। ये y दोनों वैल्यूज उधर जाकर पॉजिटिव में हो गई और ये प्लस पॉजिटिव 5।
ठीक है, वाई इज इक्वल टू फाइव आया। अब वाई इज इक्वल टू फाइव जो है ना वो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाई फाइव इसकी जो है ना वो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये स्ट्रेट लाइन जो है ना ये आपने ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन ने जो है ना इसको जिधर पॉइंट्स पे कट डाउन किया है ना वो आपने जो है ना वो आंसर है। तीन पॉइंट्स पे किया, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक स्टूडेंट्स, ये इस लाइन का भी आप, ये आपने जो की थी ग्राफ की, ये थी ग्राफ है आपका 4x + 3 और ये y = 5। ठीक स्टूडेंट्स, अगर हम वाई एक्सिस का डिस्टेंस देखें तो वो 2 यूनिट्स के इक्वल था। ठीक है, दो स्मॉल जो थे ना वो 1 यूनिट के इक्वल था, लेकिन इधर जो है ना 1 स्मॉल ही 1 यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, पॉइंट, क्योंकि डिफरेंस 1 का है और इधर डिफरेंस 5 का था। जी, इसने इसको इधर ये जो जिधर इसने इसको कैंसिल किया, आप कट किया, ये आप जो है ना ये लाइन जो है ना वो नीचे लगाएं। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे किधर कट कर रही है, ये इधर आ गया 0.2.1। ठीक है, और ये 2.2। ठीक है, एक्स की फर्स्ट वैल्यू आ गई 2.2। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाली एक्स की, ये एक्स इधर कट कर रहा है, ये जो है ना आप इधर लाइन लगाएं। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये इधर ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये इधर आ गया 0.5 पे जो है ना -0.5। ठीक, इसका आंसर आया मेरे पास -0.5। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट को अब हम देखें। ठीक है, इसको देखें तो ये भी इधर आ रहा है -1.5। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी मेरे पास आ रहा है -1.5। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज अ फील्ड ए बी सी डी ड्रॉन टू स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर। इसका जो 1 सेंटीमीटर है वो 50 मीटर के जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, ए पार्ट द फील्ड हैज़ अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ए बी। फील्ड की जो स्ट्रेट लाइन है, पाथ जो फील्ड जो है, द फील्ड हैज़ अ स्ट्रेट पाथ है फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है जी, ये जो ए बी है ना इसका जो है ना वो हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और ये किधर से है, ये डी से। ठीक स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। ड्रा अ पाथ एंड मेजर द एंगल द पाथ मेक्स विद डी सी। ठीक है, इसमें जो है ना वो हमने जो है ना वो एंगल मेजर करना है। पहले जो है ना वो आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, मिड पॉइंट आप आर्क से भी कर सकते हैं और इससे भी जो है ना स्केल से भी। ठीक है, ये स्केल से आया मेरा 7.4 आ गया। 7.4 को जो है ना आप 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 7.4 डिवाइडेड बाई 2 एंड वी गेट 3.7 आया। इट्स मीन्स के ये 3.7 जो है ना इसका मिड पॉइंट है, उधर जो है ना वो आप मार्क कर लें। ठीक है, 5, 6 और 7। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना मिड पॉइंट आ गया इसका लाइन ए बी का। ठीक है, इसको जो है ना क्वेश्चन के अंदर डिमांड है, द फील्ड हैज़ अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम डी टू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, जो फील्ड है वो किधर से स्टार्ट हो रही है, स्ट्रेट फ्रॉम डी, डी से स्टार्ट हो रही है, इसको जो है ना वो हमने जो है ना वो मैच कर देना है। ठीक है, डी से जो है ना ये मिड पॉइंट। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया। ड्रॉ द पाथ एंड मेजर द एंगल द पाथ मेक्स विद डी सी। आपने जो है ना अब पाथ को ड्रॉ करना है और एंगल को मेजर करना है द पाथ मेक्स विद डी सी, जो कि पाथ बना रहा है डी सी के साथ। ठीक स्टूडेंट्स, ये हम करेंगे, आप एंगल से मेजर करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर ये मैं अपना एंगल देखूँ ना तो ये मेरा एग्जैक्ट 45 आ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने एंगल मेजर करना था। ठीक है,
ये वही बात, ड्रॉ दी पाथ, पाथ को हमने ड्रॉ किया, एंड मैयर दी एंगल दी पाथ मेक्स विद डीसी, जो पाथ जो है ना डीसी के साथ बना रहा है ना उसको हमने मैयर करना है, ठीक है। ये मैंने मैयर कर लिया, ये मेरे पास आया 45 डिग्री, ठीक, और यही जो है ना इसके पे है, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट अब आ गया इसका बी पार्ट, स्टूडेंट्स, ग्रास इज इन दी प्लांटेड ऑन एन एरिया ऑफ द फील्ड, किस फील्ड के अंदर जो है ना वो ग्रास प्लांटेड है, लेस देन 325 मीटर फ्रॉम बी, ठीक है, वो लेस देन है 325 मीटर, बी से जो है ना वो 325 मीटर जो है ना वो लेस देन है, ठीक सर। अब ये हमें इन्होंने दिया हुआ मीटर के अंदर, और हमने अपने अकॉर्डिंग टू स्केल जो है ना इसको जो है ना कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। स्केल प्रोवाइडेड है 1 सेंटीमीटर जो है ना 50 मीटर के इक्वल है, ठीक है, तो फिर ये इस तरह होगा, 50 मीटर किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर जो है ना वो हो गया 1/50 सेंटीमीटर के, ठीक है। जब हमने 325 मीटर्स का मालूम करना है कि उसमें कितने सेंटीमीटर्स हैं, तो 325 को हमने 50 पे जो है ना वो डिवाइड कर देना है, ठीक स्टूडेंट्स। 325 को जो है ना वो हमने डिवाइड किया, 325 / 50, वी गेट 6.5, ठीक, हमारे पास आंसर आया 6.5। तो फिर ये हो गया कि जो एरिया है ना वो हमारा जो है ना 6.5 जो है ना वो इसमें आ गया स्केल के अंदर, ठीक स्टूडेंट्स। इट्स मीन्स किधर से है वो, फ्रॉम बी से है, ठीक है। तो जो है ना फिर बी पॉइंट से जो है ना वो हमने कैसी आर्क ड्रॉ करनी है 6.5 की, जिसमें वो सारा एरिया आ जाए, ठीक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पहले ये आर को ओपन कर लेना 6.5 का, ये देखिए मैंने 6.5 की ओपन कर ली, और फिर जो है ना पॉइंट बी से जो है ना आपने इसको जो है ना वो कर लेना है, ठीक, ये पॉइंट बी से जो है ना आपने 6.5 की ये जो है ना ये मार्क कर लिया डिस्टेंस, ठीक स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस मार्क हो गया आपका, यही बात थी, लेस देन 325 मीटर फ्रॉम बी, ठीक है, कि वो कितना आया हमारा, ये तो मीटर्स में दिया गया हुआ, जब हम अपने स्केल्स में लेकर आए तो 6.5 आया, और वो पॉइंट बी से है, तो बी से जो है ना हमने इसको जो है ना 6.5 की इधर जो है ना वो आर्क लगा ली, ठीक। अब वो डिस्टेंस एरिया है कौन सा, एक तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसका आ गया नियरर टू सी बी, ठीक है, वो किधर है, सी बी के नियरर है देन सी डी से, ठीक है, सी डी से जो है ना वो नियरर है, ये सी बी रहा, ये देखें ये सी बी रहा और ये सी डी रहा, ठीक है, कह रही हूँ कि किसके नियरर है, सी बी के है इससे सी डी से, ठीक है। तो ये जो है ना हम इसका जो है ना वो बायसेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, देखें ये सी जो है इन दोनों में कॉमन आ गया, इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, हम इसका सी का एंगल बायसेक्टर जो है ना फाइंड आउट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा वो जो बायसेक्टर की लाइन आ जाएगी ना वो बताएगी कि ये जो है ना बी सी के पास है प्लांट, ठीक स्टूडेंट्स। तो एंगल बायसेक्टर भी आपको ड्रॉ करना आता है, इधर मार्क किया, इधर मार्क की लाइन, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल बायसेक्टर आ गया, ठीक, इसमें से जो है ना वो आप लाइन को जो है ना वो पास कर दें, ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक, ये बात हो गई। अब जो है ना वो कह रही है कि लेस देन 6 के इधर से बी कम है, नियरर टू सी बी है, इधर जो है ना सी बी के पास है देन सी डी, और सी डी जो है ना वो उससे दूर है, ठीक है। कैन ओनली बी ऑन वन साइड ऑफ द पाथ, ठीक है, और साथ ये भी कि जो है ना वो सिर्फ एक साइड पे है पाथ के, ठीक है, इस तरफ एक ही तरफ है, सब तरफ नहीं है, ठीक है। बाय ड्राइंग अप्रोप्रिएट लॉसी फाइंड द शेड ऑफ द पॉसिबल लार्जेस्ट एरिया फॉर द ग्रास टू बी प्लांटेड, ठीक है, हमने वो शेड फाइंड करना है और उस एरिया को जो है ना वो शेड भी करना है, जो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया जिधर जो है ना प्लांट लग सकते हैं, ठीक है। ये तीनों जो है ना उस पर सिचुएशंस जो है ना वो हमने अप्लाई करनी है। इट्स मीन्स स्टूडेंट्स के ये देखें, ये लेस देन 325 भी है, ठीक है, और ये नियरर सी बी भी है, ठीक, क्योंकि ये हमने इसका बायसेक्टर इसलिए ड्रॉ किया था, हमें पता चल जाए ये जो है ना इस तरफ है,
ठीक स्टूडेंट्स, और ये जो है ना ये सिर्फ वन साइड पर भी, ठीक। ये जो है ना ये हमारा आ गया, हमारा शेडेड रीजन जो होगा ना वो ये होगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना शेडेड रीजन हो गया, जिधर जो होते हैं ना प्लांट हो सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने जो है ना ये फाइंड आउट कर लिया। इसमें जो था ना बी पार्ट में हमने जो है ना यही फाइंड करना था। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गए हमारे पास जो है ना फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द पाथ डैट फॉर्म द बाउंड्री फॉर द ग्रास। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो है ना बाउंड्री की जो है ना वो एक्चुअल लेंथ जो है ना वो फाइंड आउट करें। ये जो है ना हमारे पास आ गई 2.7 आ रही है। ठीक है, ये मैंने स्केल से मैयर की, ये अप्रॉक्सीमेटली 2.7 आ रही है। 2.7 को जो है ना वो हम 50 से जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसको टच कर रही है। ठीक है, आपने इसको सबको नहीं मैयर करना। देखें ये ऊपर भी दिया गया है ड्रा दी पाथ, पाथ जो है वो ये है जो इससे जा रहा है। ठीक है, ये पाथ है जो इसको टच कर रहा है। इसका इट्स मीन्स के जो है ना सिर्फ हमने इतने की जो है ना वो बाउंड्री की जो है ना वो फाइंड आउट करनी है, और इसको जो है ना हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है जो है ना ये आ जाएगी। ये पाथ है जो उसको बाउंड्री के साथ जो है ना वो टच कर रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना 2.7 को हम 50 से मल्टीप्लाई करें। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड वी गेट 135। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 135। ठीक है, ये मीटर्स में जो है ना ये आ गया पाथ। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, यासिर ट्रेवल्स टू वर्क आइदर बाय कार, बस और ट्रेन और बाइक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन एनी अदर वर्क डे आर शोन इन द टेबल। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपको जो है ना उसके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए गए हैं और प्रोबेबिलिटीज जो है ना प्रोवाइड की गई हैं टेबल के अंदर। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड पी। ठीक है, ये वैल्यू जो है ना आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको पता है ये सारी जो प्रोबेबिलिटी है ना ये किसके इक्वल है, ये वन के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इस सबको वन के इक्वल रख के जो है ना फाइंड पी की वैल्यू जो है ना फर्स्ट फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, वेरी सिंपल, 2 प्लस पी। ठीक, ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, ये सब वैल्यूज इस तरफ जाएंगी तो ये माइनस होंगी, 1 माइनस 0.12, -0.40, -0.26। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना हम माइनस कर लें। माइनस किया 1 -0.12, -0.40 एंड -0.26। ठीक, वी गेट 0.22। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 0.22। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.22। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ऑन मंडे और ट्यूसडे ही ट्रैवल टू वर्क बाय ट्रेन ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हमने इधर जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी राइट डाउन कर लेनी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो है ना प्रोबेबिलिटी ये है कि मंडे और ट्यूसडे को उसने ट्रैवल किया है, ट्रेन से भी किया ऑन वन डे एंड बाय बस ऑन द अदर डे। ठीक है, इट्स मीन्स के जो है ना पहले मंडे की हम राइट डाउन करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये है कि उसने जो है ना ट्रैवल किया है ट्रेन से, ठीक, और जो है ना एंड उसने ट्रैवल किया बस से भी। ठीक, ये बात हो गई। उसके बाद जो है ना और भी, ठीक, ट्यूसडे की बात आ गई, पहले मंडे की बात आ गई कि जो है ना उसने ट्रैवल किया बस से और जो है ना और ट्रेन से। ठीक, ये बात हो गई। ट्यूसडे को जो है ना फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ट्यूसडे की बनी के जो है ना उसने ट्रैवल किया है ट्रेन से और जो है ना बस एंड बस। ठीक है, ये ट्यूसडे की और जो है ना मंडे की जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हो गई। अब जो है ना इसमें हम इसकी वैल्यूज राइट डाउन करेंगे और जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रेन की हमें दी गई हुई है 0.26 और एंड आपको पता है कि वो चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक, एंड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, बस की उन्होंने दी हुई है 0.40 और प्लस में ट्रेन की आपके पास है 0.26 मल्टीप्लाई बाय 0.40। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0.26 मल्टीप्लाई 0.40 प्लस 0.26
मल्टीप्लाई बाय 0.40। ठीक स्टूडेंट्स, वी गेट 0.208। ठीक, ये आपके पास आंसर आ गया 0.208। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने जो है ना इसकी जो है ना फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस एट लीस्ट वंस ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक स्टूडेंट्स, इधर जो है ना वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो है ना वो ट्रैवल कर रहा है, उसने एक दफ़ा ट्रैवल किया है या तो वेडनेसडे को उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है या थर्सडे को उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है या दोनों दिन ट्रैवल किया है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना प्रोबेबिलिटी जो है ना वो ट्रेन की हमें गिवन है ट्रैवल करने की, वो है हमारे पास पॉइंट, ये है हमारे पास जो है ना बस से, जो है ना बस की बात हो रही है। ठीक है, बस से ट्रैवल करने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.40। ठीक है, और अब बस से ना ट्रैवल करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आप फाइंड आउट कर लें। वो कैसे होगी, आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ना 1 की इक्वल होती है 1 माइनस 0.40। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 0.6। ठीक, अब जो है ना प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि जो है ना वो बस से ट्रैवल कर रहा है और जो है ना वो बस से जो है ना वो ट्रैवल नहीं भी कर रहा। ठीक, तो फिर हम इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये हो गई कि वो जो है ना ट्रैवल कर रहा है बस के से। ठीक है, एंड और वो नहीं ट्रैवल कर रहा। ठीक है, ये हो गई, और जो है ना फिर ये भी एक प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो है ना वो नहीं, थर्सडे की बात आ गई, वो ट्रैवल कर रहा है बस से, वो नहीं ट्रैवल कर रहा और वो ट्रैवल कर रहा है बस से। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी बात आ गई कि जो है ना वो प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो है ना वो बस से ट्रैवल कर रहा है, वेडनेसडे को भी कर रहा है। ठीक है, और थर्सडे को भी कर रहा है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखें दो दिन है ना, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, बस एट लीस्ट वंस ऑन। ठीक है, ये मंडे की आ गई। ठीक है, मंडे को उसने की है, प्रोबेबिलिटी ये भी है नहीं भी की। ठीक है, थर्सडे जी स्टूडेंट्स, ये देखें ये आ गई वेडनेसडे की बात, वेडनेसडे को उसने बस से ट्रैवल किया है और नहीं भी किया। ठीक, फिर आगे थर्सडे की बात, थर्सडे को उसने ट्रैवल नहीं किया और बस से किया भी है, प्रोबेबिलिटी है, और ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि जो है ना उसने जो है ना दोनों दिन जो है ना वो ट्रैवल किया है। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गई। अभी जो है ना वो बात हुई थी, हमने फाइंड किया था बस से जो प्रोबेबिलिटी फाइंड है ना वो है हमारे पास 0.40। ठीक है, तो एन जो है ना वो हमारे पास है 1 माइनस 0.40। ठीक है, वो है हमारे पास 0.60। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.60। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करने लगे, प्लस और प्लस में चेंज होता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं 0.60 प्लस 0.40। ठीक, ये आया प्लस 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.40। ठीक है, और हमने ना वाली जो है ना कि दोनों में इसने ट्रैवल नहीं किया वो वाली प्रोबेबिलिटी हम क्यों नहीं बनाई, क्योंकि एट लीस्ट वंस है कि उसने एक दफ़ा जो है ना वो ट्रैवल किया है। ठीक स्टूडेंट्स, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.60 प्लस 0.60 मल्टीप्लाई 0.40 प्लस 0.40 मल्टीप्लाई 0.40। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.64। ठीक स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया 0.64। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, ये ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी, यासी रिकॉर्ड्स द लेंथ ऑफ अ टाइम ही स्पेंड ऑन वर्क ऑन ईच ऑफ 70 वर्क डेज। द टेबल शोज द रिजल्ट। ये टेबल जो है ना उसने हमें रिजल्ट दिया हुआ उसका 70 डेज का जो है ना वो वर्क का। ठीक स्टूडेंट्स,
ये आ गई फ्रीक्वेंसी, यार ये हमें टाइम दिए हुए हैं घंटों में कि जो है ना उसने इतने इतने घंटे जो है ना उसके काम की फ्रीक्वेंसी है। ठीक, इधर हमें जो है ना वो आगे जो है ना हिस्टोग्राम हमने कंप्लीट करना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में है और टाइम में। ठीक स्टूडेंट्स, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जो है ना फार्मूला फाइंड करने का, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है डेंसिटी ओवर क्लास विड्थ। ठीक, अब हमें क्लास विड्थ नहीं प्रोवाइडेड ना, क्लास विड्थ प्रोवाइडेड होगी तो जो है ना हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, तो जो है ना हमने इधर से जो है ना वो क्लास विड्थ जो है ना वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक, क्लास विड्थ इसमें से जो आपको पता है जितनी उसके अंदर क्वांटिटी होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 6 में से हमने 4 माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया 2। ठीक है, इसकी क्लास विड्थ है 2। 7 में से 1 6 माइनस किया तो ये मेरे पास आ गया 1। ठीक, और ये 7 1.5 है, इसमें से 7 माइनस किए तो ये मेरे पास हाफ आ गया, 0.5 लिख लें। ठीक, और ये 8 में से जो है ना 7.5 माइनस किए तो इधर भी जो है ना वो मेरे पास जो है ना 0.5 आ गए। ठीक है, हाफ आ गया। ठीक है, अब इधर वैल्यू आ गई 3/4। 3/4 आपको पता है कि ये 0.75 होता है। ठीक है, हाँ जी, 0.75 होता है, और 8.75 में से हमने 8 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.75। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हमने ये फाइंड करनी है 8 3/4। ठीक है, 8 3/4 हो गया 8.75। ठीक है, 10 में से जो है ना वो 8.75 आप माइनस करें तो जो है ना आपके पास इसकी ये आ जाएगी 10 - 8.75, वी गेट 1.25। ठीक है, 1.25। अब जो हिस्टोग्राम है वो हमारे पास है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में है, इसको अब हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो हमने क्लास विड्थ पे जो है ना वो डिवाइड करना है। ठीक स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी 4 डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ, 4 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 2, डिवाइडेड बाई 1 वी गेट 1, 9 डिवाइडेड बाई 0.5, 9 डिवाइडेड बाई 0.5 वी गेट 18, एंड 23 डिवाइडेड बाई 0.5 वी गेट 46, एंड 18 डिवाइडेड बाई 0.75 वी गेट 24, एंड 10 डिवाइडेड बाई 1.25 वी गेट 8। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब जो है ना हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज जो है ना वो फाइंड आउट कर ली। अब जो है ना हम जो है ना इसका जो है ना हिस्टोग्राम बना लेंगे। ठीक, हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, ये देखें, ये इधर तक तो इन्होंने 2 पॉइंट्स का दिया हुआ है, आगे आ गया ये जो है ना 7 से लेकर जो है ना वो हाफ 7 तक। ठीक है, 7 से लेकर हाफ 7 तक जो है ना वो किधर तक जा रहा है, 18 तक जा रहा है। ठीक है, ये 18। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, हाफ 7 से लेकर ना वो 8 तक जो है ना वो आगे आ गया, वो किधर तक जा रहा है, 46 तक जा रहा है। ठीक है, ये आ गया 46 पॉइंट। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, ये 46 तक आ गया। नेक्स्ट जो है ना ये 8 से जो है ना 8.75 तक जो है ना वो 24 तक जा रहा है। ये 8 हो गया, 5 हो गया 6, ये 7, और इसका आगे हाफ 7.5। ठीक है, ये 7.5 जा रहा है 24 तक। ठीक है, ये 20, 21, ये इधर 24 आ रहा है। ठीक, ये जो है ना
ये आ गया ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है ना वो आ गया एट, ठीक है ये एट आ गई और ये इधर है 1 पॉइंट। जी स्टूडेंट्स 8.75 से जो है ना वो आ गया 10 तक, ठीक है इधर जो है ना वो एंड तक, और ये क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है ये इधर तक। ठीक स्टूडेंट्स ये जो है ना ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट, यासिर स्टार्ट्स वर्क ईच डे एट 9 AM। ही इज नाउ स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट, यासिर स्टार्ट वर्क ईच डे एट 9 AM। ही इज पेड ओवर टाइम इफ ही वर्क्स लेटर देन 5:15 PM। ठीक एस्टिमेट द नंबर ऑफ द डेज ही इज पेड ओवर टाइम ड्यूरिंग दीज 70 work days। ठीक फ्रेंड्स ये इधर आ गया, उन्होंने जो है ना वो कहा है कि जो है ना वो ईच डे जो है ना ये अब 9 AM से लेके ना इधर जो हमें प्रोवाइडेड है ना ये घंटे प्रोवाइडेड हैं, कितने कितने घंटे उसने काम किया है, ठीक है और इधर जो है ना वो टाइम है, ठीक है अगर हम इस टाइम को मैयर करें ना तो ये हमारे पास आ रहा है 9 to 5:15 तक, 8:15 जो है ना 8 घंटे और 15 मिनट्स आ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स तो इधर से जो है ना हमने जो है ना उसकी जो है ना फ्रिक्वेंसी को जो है ना वो ऐड अप कर देना है जो इसके अंदर आ रही है टाइम के अंदर, ठीक है जब हम इधर से नोटिस करते हैं तो इधर 8 से शुरू हो रहा है, ठीक है 8 से जो है ना वो 8.75 तक, तो 8:15 से हमने स्टार्ट करना है, इट्स मीन्स के जो है ना हमने जो है ना इसको जो है ना तोड़ना है, इसको स्प्रेड करना है। ठीक स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई 8, ये इधर आ गया 8 1/4, 8 2/4 और 8 3/4। ठीक ये जो 8 1/4 जो कि 15 मिनट्स जो है ना वो उसके इसमें इसके अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर जो है ना ये देखें ये कितना है 18 है, इट्स मीन्स के ये जो है ना 15, 6, 12 और 18। ठीक इट्स मीन्स के ये जो टाइम है ना ये इधर 6 आया, ये इधर 6 आया, इधर 6 आया, इतने मैं उसकी फ्रिक्वेंसी 6 इधर तक 6 और इधर तक जो है ना वो 6 काउंट हुई। ठीक स्टूडेंट्स इट्स मीन्स के इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे और इन दोनों को जो है ना वो हम ऐड कर लेंगे, ठीक है इसको ऐड करेंगे किसके अंदर करेंगे, ये ऑलरेडी जो है ना वही टाइम में आ रहा है जो कि उसके ओवर टाइम के अंदर इंक्लूड हो रहा है, इट्स मीन्स के ये 6, 6, 12 को हम इसके अंदर 10 के अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। ठीक स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, एप्पल्स कॉस्ट $X पर किलोग्राम एंड ऑरेंजेस कॉस्ट $Y पर किलोग्राम। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल्स एंड 10 kg ऑफ ऑरेंजेस इज $40। शो डैट X+2Y इज इक्वल टू 8। ठीक है ये अब हमने जो है ना ये इन्होंने जो हमें कॉस्ट दी हुई है 40 के इक्वल कितने की है 5, तो एप्पल्स के साथ क्या है पर के जी एक्स है तो ये इधर आ गया 5x। ठीक स्टूडेंट्स और ऑरेंजेस का है 10, ऑरेंजेस है वाई पर के जी, ठीक है तो ये हमारे पास आ गया वाई 10y, ठीक है इज इक्वल टू ये इनकी 5 एप्पल्स एंड 10 ऑरेंजेस के जी जो है वो किसके इक्वल है $40 के, ठीक है ये 40 के इक्वल हो गए। अब जो है ना हमने इसको जो है ना शो करना है, ये हमारे पास ये हमें सिचुएशन दी गई शो करना है कि ये जो है ना इसकी इक्वल है। देखिए वेरी सिंपल, इसको अगर हम 5 पर डिवाइड करें ना तो वी गेट X+2Y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 5 करके हमारे पास है ना ये वाली इक्वेशन आ गई X+2Y इज इक्वल टू 8, ये हमने शो कर दी। ठीक स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, the total cost of 4 kgs of apples and 3 kgs of oranges is $19. Use simultaneously equation to find the cost of 1 kgs of apples and 1 kg of orange. Show your working. अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन होगी 2x x plus 2y is equal to 8, नेक्स्ट वाली उन्होंने हमें ये दी हुई है, ठीक है ये क्या है 4 kg apples और 3 kg जो है ना ऑरेंजेस, ये किसके इक्वल है 19 के।
नाउ स्टूडेंट्स, ये अब हमने हमारे पास जो है ना दो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस जो है ना वो बन गई। अभी हमें मालूम है कि जो है ना हम इसको फाइंड कर सकते हैं इससे सब्सिट्यूशन मेथड से भी और एलिमिनेशन मेथड से भी। मैं जो है ना एलिमिनेशन मेथड जो है ना अप्लाई करने लगी हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाई 4, 4 से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, करके जो है ना वो मेरे पास आया, चलिए लिख लें, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विद 4। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 8 4 8 4 32। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से। ठीक स्टूडेंट्स, ये 2 को जो है ना हमने 3 से जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखें हमने किया, तो ये x वाली वैल्यूज जो है ना ये एलिमिनेट हो गई, 3 से 8y से जो है ना वो हमने 3 माइनस किए, वी गेट 5y। ठीक है, 5y, और 32 में से जो है ना वो हमने 19 को माइनस किया, वी गेट 13। ठीक, y हमारे पास आ गया 13 ओवर 5। y को जो है ना आप इससे कर लें, डिवाइड कर लें, 13 डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 2.6। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.6। ये 2.6 हो गई और ये ऑरेंजेस की आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हमने ये वाली वैल्यू जो है ना इसके अंदर आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर जो है ना वो राइट डाउन कर लें। ठीक है, तो टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स 2, वाई की जगह हमने राइट डाउन किया 2.6 प्लस इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5.2 इज इक्वल टू 8। 8 माइनस 5.2, ये हमने किया 8 माइनस 5.2 एंड वी गेट x इज इक्वल टू 2.8। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना x आ गया 2.8 और y की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ गई 2.6। ठीक है, x क्या है, एप्पल्स है। ठीक, और y क्या है, हमारे पास ऑरेंजेस है। ठीक, ये हमने इधर राइट ऑन कर दी $2.8 और ये 2.6। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, बी पार्ट इधर हमने सॉल्व करना है, इधर जो है ना हमने ये एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें इनइक्वालिटी प्रोवाइडेड है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये हम पहले 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x माइनस 12 7। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना आप इनकी पोजिशन चेंज करेंगे, माइनस 8 ये इधर गया, ये प्लस 12 हुआ, 4x 7 ये इधर प्लस 12 हुआ। ठीक, 12 में से हमने जो है ना वो 8 को माइनस किया, वी गेट 4। ठीक है, ये 4x और इधर इसमें प्लस किया 12 में प्लस 12 प्लस 7 वी गेट 19। ठीक है, इधर 4 आ गया था 19। अब इस ये जो है ना 4 को आप डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक ये हो गया। अब इसने डिवाइड किया, ये आ गया 1x और ये 4 4 16 और ये 3। ठीक है, 4 4 16 17 18 19। ठीक, ये हमारे पास जो है ना ये इनइक्वालिटी आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, और यही जो है ना ये इसका आंसर है। ठीक, बहुत सिंपल था ये। ठीक, नाउ इट्स सॉल्व। नाउ स्टूडेंट्स, सी पार्ट के अंदर उन्होंने हमें दिए हुए शो ऑल योर वर्किंग एंड गिवन योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, ये इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमने डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हमने ये इस सारी इक्वेशन को ना x माइनस 1 और 2x प्लस 3 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 4 x माइनस 1 2x प्लस 3।
ठीक फ्रेंड्स, ये इसके साथ कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, ये आपके पास आ गया 8x+12, 2x-2, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आया 2x² प्लस 3x-2x और -3। ठीक फ्रेंड्स, ये अब एक्स वाली वैल्यूज इसमें प्लस कर लें, ये हो गया 10x+10, 2x² + x-3। ठीक, अब ये वैल्यूज इधर ले आए तो इनको सॉल्व कर लें, 2x + x + 10x ये माइनस हो जाएगा, ये जब भी पोजीशन इसकी चेंज होगी तो माइनस हो जाएगा, ये भी जो है ना -10 हो गया और ये -3 = 0। ठीक फ्रेंड्स, ये आया 2x² - 9x - 13 = 0। ये अब हमारे पास जो है ना इक्वेशन आ गई, जिसको अब हमने जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके जो है ना वो सॉल्व करना है। ठीक फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है कि बी बी की स्केयर -4ac और ये √(2a). ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इधर माइनस बी क्या है, इधर हमारे पास है -9, बी है -9, -9 का स्क्वायर -4, ए है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास -13। ठीक फ्रेंड्स, ये +-9, ये हो गया 2a जो है ना हमारे पास 4 है। ठीक, ये इधर आ गया 9 = 9। ठीक है, ये अंदर वाली भी आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आया 81। ठीक है, -13 × 2 × 4 वी गेट 104, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 104 + 81, ठीक है 185 आ गया। ठीक, और 185 का √ आंसर वी गेट 13.6। ठीक है, ये आ गया 9 + -13.6/4। इसको एक दफ़ा प्लस में राइट डाउन कर लें और एक दफ़ा माइनस में राइट डाउन करके जो है ना वो सॉल्व कर लें। ठीक है, 4, और दूसरा आपके पास आ गया 9 13.6/4। ठीक फ्रेंड्स, इसको जो है ना आप सॉल्व कर लें तो जो है ना वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, (13.6 + 9)/4, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया 5.65, एक एक्स की वैल्यू और दूसरी 9 - 13.6/4, एंड वी गेट -1.15। ठीक फ्रेंड्स, ये जो दोनों जो है ना आपके पास आंसर आ गए, ठीक है, ये आ गया 5.65 और ये आ गया -1.15। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, द डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ द 3 टाउन्स ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, बी इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 72 डिग्री फ्रॉम ए एंड सी इज अ बेरिंग ऑफ 150 डिग्री फ्रॉम ई। ए बी इज 300 किलोमीटर एंड ए सी इज 280 किलोमीटर। ठीक है, ये हमें दी हुई है और फाइंड अपने करना है फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। ठीक है, ये ए से जो है ना वो हमने सी तक जो है ना वो बेरिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक फ्रेंड्स, बी पे जो हमें दी हुई है ना, बी इज ऑन बेरिंग ऑफ 72 डिग्री फ्रॉम ए। ठीक, ये हमें दी हुई है, इधर से जो है ना ये वाला एंगल जो है ना, ये हमारे पास जो है ना नॉर्थ लाइन से आपको पता है बेरिंग का जो होता है ना वो एंगल होता है, ये है हमारे पास 72 डिग्री। और उसके बाद जो है ना वो हमें दी हुई है जो सी इज़ ऑन बेरिंग ऑफ ए से, जो सी की बेरिंग है ना ये इधर से इधर तक, ये जो पूरा एंगल है ना ए से सी तक, ये है हमारे पास 150 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 150 डिग्री है और ये दोनों डिस्टेंस हमें प्रोवाइडेड है। फाइंड हमने करना है फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी।
ए की बेरिंग से जो है ना वो हमने जो है ना फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। इसके लिए सबसे पहले जो है ना वो हम नॉर्थ लाइन ड्रॉ करेंगे। नॉर्थ लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो है ना वो हम जो है ना इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने जो है ना वो नॉर्थ लाइन ड्रॉ की। ठीक, और अब जो है ना ए से जो है ना वो सी तक, ठीक है, इट्स मीन्स के ये जो है ना अगर हम इसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं ना तो ये जो है ना इस तरह जो है ना ये बन रहा है। ये टोटल एंगल जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है इधर से इधर तक। ठीक, ये आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। ये हमारे पास 180 डिग्री हो गया। अब ये देखें ये वाला एंगल जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है कि जो है ना इसमें ऐड करके इसकी जो है ना वो हम टोटल बेरिंग जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसको नोटिस करें ना इसको, तो ये जो है ना अल्टरनेटिव एंगल्स है। ठीक है, और आपको पता है अल्टरनेटिव एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इट्स मीन्स कि ये जो है 180 डिग्री किसके इक्वल, और ये जो है ना 150, इन दोनों को जो है ना वो हम जो है ना वो ऐड करेंगे। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। ठीक है, ये 180 डिग्री प्लस 150 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, इसको हमने ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाता है 330 डिग्री। ठीक, ये हमारे पास जो है ना वन पार्ट का जो है ना वो आंसर आ गया। नाउ फ्रेंड्स, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में वो जो है ना वो हमने कैलकुलेट करना है बी सी। ये हमारे पास बी सी है, इसको जो है ना वो हमने जो है ना इस लाइन को जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अब अगर हम देखें तो ये हमारी ट्राइंगल जो है ना, ये राइट एंगल नहीं, तो अब हम इस पे जो है ना कि आप अप्लाई करके जो है ना ये लाइन जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दो हमें लाइंस प्रोवाइडेड है और एक जो है ना वो हमें एंगल है। ठीक है, ये ए वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इजीली ये हम 150 में से 72 को माइनस करें ना तो हमारे पास जो है ना वो एक एंगल आ सकता है। ठीक, इस ट्राइंगल का ये एंगल, क्योंकि ये हमें पता है टोटल 150 और ये 72 हमने माइनस किए। 150 माइनस 72 वी गेट 78। ठीक, ये जो एंगल ट्राइंगल का एंगल अंदर आया ए वाला, ये हमारे पास जो है ना ये आ गया 78 डिग्री। ठीक, तो इधर जो है ना अब जो है ना वो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे और उसको जो है ना वो अप्लाई करके जो है ना हम कैलकुलेट बी सी करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन होता है सी ए की स्क्वेयर बी की स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास ए आ गया 300 और ये 280 स्क्वेयर माइनस 280 एंड cos की वैल्यू आ गई आपके पास 78 डिग्री। ठीक, ये जो है ना अब हमने कैलकुलेट कर लेना है, अपने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेना है तो हमारे पास जो है ना ये बी सी भी आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला था और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये बी सी हो गया। ठीक, 300 का स्क्वेयर प्लस 280 स्क्वेयर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 280 एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस 78। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आएगा, ये आंसर आ गया और अंडर रूट आंसर हमने किया तो ये मेरे पास आ गया 365। जी जी फ्रेंड्स, ये आंसर मेरे पास आ गया 365.3, 365.3। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही जो है ना इसका आंसर है, यही हमने बी सी जो थी ना ये फाइंड करनी थी, ये हमने इधर जो है ना लॉ ऑफ कोसाइन को इस्तेमाल करते हुए जो है ना इसको फाइंड आउट कर दिया। इट्स मीन्स बी सी 365.3, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी। टाउन डी इज़ 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 120। फाइंड द टू पॉसिबल बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए। यू मे एड लाइन्स टू द स्केच टू हेल्प यू। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर उन्होंने अब हमें दी हुई है, ए से बी का डिस्टेंस उन्होंने 300 किलोमीटर दिया हुआ है और उन्होंने बताया एक टाउन बी है जो है ना 145 किलोमीटर है फ्राम बी से। ठीक है, और ए ए ये और डी इधर कोई पॉइंट है। ठीक है, और बी उसका एंगल क्या है, 120 डिग्रीज। ठीक
ठीक स्टूडेंट्स, इधर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है ना ये हम इसमें जो है ना पॉइंट डी को जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, ये इधर या इधर जो है ना किसी जगह पर है, ठीक है, उसको जो है ना वो हम इसकी प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये 120, ये एक पॉइंट डी इधर, ठीक, और इधर से भी जो है ना आपने 120 का जो है ना वो फाइंड आउट, ठीक स्टूडेंट्स, और एक पॉइंट डी जो है ना 120 का इधर है, ठीक, एक पॉइंट इधर और एक इधर, ठीक है, ये जो है ना ये पॉइंट डी। जी स्टूडेंट्स, ये टू पॉसिबल्स जो है ना ये 120 एंगल्स के जो है ना वो हमने डी पॉइंट जो है ना इसकी जो है ना दो पॉसिबल्स बेरिंग्स जो है ना वो आएंगी, क्योंकि दो पॉइंट्स होंगे, ये इधर आया एक पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट ये, ठीक स्टूडेंट्स, ये देखें इसको करें क्लोज तो ये जो है ना ये बन रहा है, ठीक, ये जो है ना ये हमारे पास बन रही, देखें ये भी उन्होंने दे दिया टाउन डी से जो है ना इज 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी, ये हमारे पास ये 145, ठीक है, ये भी वैल्यू जो है ना आ गई, ये वैल्यू गिवन, ये जी ये 145 किलोमीटर था, वो भी जो है ना इधर आ गया, डी बी जो डिस्टेंस है ना वो भी जो है ना हमने इसका जो है ना राइट डाउन कर लिया, ठीक। अब जो है ना ये इधर आ गई एंगल, एंगल में जो है ना वो हमें दिया हुआ था बी इज़ ऑन बेरिंग ऑफ 72 फ्रॉम ए, ये ए से जो बी का जो है ना ये डिस्टेंस जो है ना ये 72 है, 72 डिग्री, ठीक है, ये हमें जो है ना वो गिवन है क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर जो है ना वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, और ये एंगल भी आपको उन्होंने इधर दिया हुआ है एंगल ए डी बी, ठीक है, ये एंगल ए डी बी किसके इक्वल है 120 के, और ये भी एंगल ए डी बी ये भी जो है ना 120 के इक्वल है। करनी है टू पॉसिबल बेरिंग्स ना, देखिए नॉर्थ लाइन से जो होती है ना वो बेरिंग होती है, इधर जो है ना एक पॉसिबल बेरिंग तो ये होगी पॉइंट डी तक ऑफ डी फ्रॉम ए, ठीक है, एक बेरिंग ये होगी और दूसरी बेरिंग कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है, एक बेरिंग आपने ये बेशक इसको नाम दे लें बेरिंग 1 2 या बेरिंग एक्स वाई, ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे, ये आपकी एक बेरिंग होगी, ये सेकंड वाली बेरिंग होगी, इसमें जो है ना आपने टू पॉसिबल्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब जो है ना इधर से जो है ना हमें ये वाला 72 एंगल तो हमारे पास आया, लेकिन इस ट्राइंगल का एंगल जो है ना वो हमें गिवन नहीं है, ठीक है, इसकी दो साइड्स हमारे पास हैं ट्राइंगल की और एक एंगल गिवन है और एक को सेकंड को हमने फाइंड आउट करना है, तो इधर जो रूल लगेगा ना तो वो लगेगा रूल ऑफ कोसाइन, ठीक। जी स्टूडेंट्स, इधर जो है ना हमारे पास दो एंगल्स गिवन, एक एंगल गिवन है और एक एंगल हमने फाइंड आउट करना है और दोनों लाइंस जो है ना वो हमें प्रोवाइडेड है, तो इधर स्टूडेंट्स जो है ना वो लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगा और उससे जो है ना वो हम जो है ना इसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एंगल को जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये जो है ना एंगल ये साइन 120 और इसकी ऑपोजिट जो है ना वो लाइन, ठीक है, साइन 120 और इसकी ऑपोजिट लाइन 300, और इधर जो है ना ये साइन 145 और सॉरी साइन वो तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला जो एंगल जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है और उसके ऑपोजिट वाली लाइन, ठीक है, बेशक साइन थीटा या बेरिंग रख लें जो भी आपने इसका रखना है 145, ठीक है, ये किलोमीटर्स में था। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है ना वो साइन थीटा की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा साइन 120 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 145, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कर लें, साइन 120 मल्टीप्लाई बाय 145 एंड डिवाइडेड बाय 300, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 0.41, ठीक 0.41, और उसका जो है ना आपने वी गेट 24.7, ठीक है, ये आपके पास आ गई 24.7,
ये थीटा भी मैंने जो है ना इन्वर्स कर लिया है, ठीक है। ये थीटा आपके पास जो है ना कैलकुलेट करके ना 24.7 आ गया। ये वाला जो एंगल आपके पास आया है ना, ये आया 24.7, ठीक। ये हमने बेरिंग वन फाइंड आउट करनी है। टोटल एंगल जो है ना ये हमारे पास है 72। 72 में से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ना वो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास बेरिंग वन आ जाएगी, ठीक है। बेरिंग वन में जो है ना आपने 72 माइनस 24.7, ठीक है, 72 माइनस आंसर वी गेट 47.2, ठीक है। ये 5 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके 47.3 राइट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब बेरिंग टू, इसमें हम देखें, ये देखें ये एंगल जो है ना जी स्टूडेंट्स, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंगल आया 24.7, तो इट्स मींस के ये भी जो एंगल है ना ये हमारे पास जो है ना ये 24.7 है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल जो है ना 24.7, ठीक है। और ये इधर तक 72 है, 72 में अब हम जो है ना बेरिंग टू में 24.7 को प्लस करेंगे, ठीक है। बेरिंग टू 72 प्लस 24.7, ठीक स्टूडेंट्स। ये 72 प्लस 24.7 वी गेट 96.7, ठीक ये आ गया। ये आपने दोनों बेरिंग्स फाइंड आउट कर ली, तो हमारी जो टू पॉसिबल्स बेरिंग आई वो 96.7 एंड 47.3, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, द डायग्राम शो ट्राइंगल ए बी एंड सी। इधर डायग्राम में हमें तीन ट्राइंगल्स दी गई हुई हैं, ए बी एंड सी। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल बी। ये अब हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है कि ये ट्राइंगल जो है ना इसके ऊपर जो है ना मैप हो जाए, ठीक है। ये हम एक पॉइंट ले रहे हैं और हमने देखना है ये इधर जो है ना किस तरह मूव कर रहा है, ठीक। ये एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो ये पॉइंट मूव कर रहा है 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस 1, 2, 3, 4, ये इधर आ गया हमारे पास -4 एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो ये 1, 2, 3, ये +3, ठीक है। तो ये फिर ट्रांसलेशन हमारे पास आ गई वाई एक्सिस के -4 और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग +, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसकी आ गई ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन डैट मैप ट्राइंगल ए ऑन ट्राइंगल सी, ठीक है। ये ट्राइंगल ए को जो है ना वो आपने जो है ना वो सी के ऊपर जो है ना मैप करना है। अगर ये जो है ना हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो है ना वो हमारे एक्स एक्सिस के पॉइंट आपको पता है वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्शन हो रही है, ये देखें, ठीक है। एक्स एक्सिस के जो है ना वो पॉइंट जो है ना वो हमारे माइनस नेगेटिव हो जाएंगे और वाई एक्सिस के जो है ना वो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक। या आप इसको नोटिस भी कर सकते हैं, ये 1 है तो ये -1 है इस तरफ, ठीक है। तो फिर जो हमारी स्टैंडर्ड वो होती है मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो है ना फिर हम इसको जो है ना ऐसे राइट डाउन करेंगे 1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। -1, 0, 0, 1, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ये जो है ना ये इसके अंदर जो है ना ये पॉइंट्स जो है ना ये सारे जीरो अब नेगेटिव हो गए एक्स एक्सिस के, जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के अंदर वो जो है ना ये -1, 0 होता है, ये हमारे पास हो गया -1, 0। और ये जो होता है ना वाई एक्सिस के जो है ना वो पॉइंट्स जो है ना वो एज इट इज ही आ गए क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है ना वो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हो रही है, ठीक स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया बी पार्ट। सी पार्ट, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल डी। ट्राइंगल ए को जो है ना वो आपने मैप्ड करना है डी के ऊपर, ठीक है। अब एक नई ट्राइंगल बनानी है बाय द इनलार्जमेंट विद सेंटर, फिर इनलार्जमेंट भी है, सेंटर क्या है 2, 3 एंड स्केल फैक्टर क्या है 3। पहले आप सेंटर को मार्क कर लें, ये 2, एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, ठीक है। ये आपका सेंटर है। अब सेंटर से जो है ना वो आपने जो है ना ये पॉइंट्स को जो है ना वो करना है, ठीक है। ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, ए है। ए वाली ट्राइंगल के जो है ना वो आपने तीनों जो है ना वो स्केल फैक्टर क्या है 3, ठीक है। उसको जो है ना ए वाली को जो है ना वो आपने 3 से मल्टीप्लाई करके ना न्यू ट्राइंगल बनानी है, ड्रॉ ट्राइंगल डी। डी आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। पहले हमारे पास हम जो है ना इसके कोऑर्डिनेट देख लेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट जो है ना वो हम इस ट्राइंगल ए के जो है ना वो राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अगर इस पॉइंट से हम सेंटर से देखें तो ये हमारे पास एक आ रहा है -1 और जो है ना ये आ रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी -1 और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी -1।
ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए के जो है ना वो आप पहले राइट डाउन कर लें, वो हमारे पास आ गए -1 एंड 1। ठीक है, एक ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट, या इधर ही राइट डाउन कर लें। ठीक है, ये -1 एंड 1 आ गया। ये इसको हम देखें, ये वाले पॉइंट को देखें, तो ये है हमारे पास आ रहा है 2। ठीक है, बैक आ रहा है -2, और साथ ये हमारे पास इधर आ रहा है -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आया -2 एंड -1। ठीक, दूसरा हमारे पास आ गया ये -2 एक्स एक्सिस के लॉन्ग -1, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है ना ये -2। ठीक है, -1 एंड -2। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो है ना इसको जो है ना थर्ड वाले को देख लें। थर्ड वाला जो है ना वो वाई एक्सिस के लॉन्ग -2, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना वो +1। ठीक है, ये 1, और जो है ना ये -2 आया हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास आ गया -1 -1 -1 -2, और 1 और -2। ठीक है, ये हमारे पास तीनों जो है ना इसके ए के जो है ना वो कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के आ गए। ठीक है, इस सेंटर से जो है ना ये हमने इनको राइट डाउन किया। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ना हम इसको देखें, इसका जो है ना स्केल फैक्टर क्या है, 3 है। इट्स मीन्स के इन तीनों को जो है ना वो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो है ना वो हमने जो है ना इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको -1 ट्राइंगल, ये -3 -3, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास -3 एंड -6, ये हो गया। थर्ड वन हो गया हमारे पास 3 एंड -6। ठीक है, थर्ड वाला जो है ना वो हमारे पास हो गया 3, और जो है ना वो -6। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जो है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब जो ट्राइंगल डी के जो पॉइंट्स हैं ना वो हमने इस अकॉर्डिंग टू इस सेंटर जो है ना वो राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, एक है -3 और 3। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग -3, और वाई एक्सिस के लॉन्ग -3। ठीक है, ये 1 2 3, और वाई एक्सिस के 1 2 3। ठीक है, एक पॉइंट जो है ना वो हमारा इधर आ गया। ठीक है, ये एक पॉइंट इधर आया। दूसरा जो है ना वो हमारे पास है -3 और -6, 1 2 3, -3 इधर और -6 3 इधर, 4 5 6, ये हमारे पास आ गया -6। ठीक है, थर्ड वाला जो पॉइंट है ना वो हमारे पास है 3 और 6। ठीक है, 3 इससे जो है ना वो एक्स एक्सिस का जो है ना वो पॉजिटिव किया, इट्स मीन्स के जो है ना वो हमने इधर मूव करना है, 1 2 3। ठीक है, ये इधर मूव किया, और वाई एक्सिस का जो है ना वो है -6। ठीक है, वो इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना इन लार्ज जो है ना वो जो है ना वो ट्राइंगल जो है ना वो बन गई। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इधर से, ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द ट्राइंगल डी जो हमने इनलार्जमेंट करके जो है ना वो ड्रॉ की। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्वड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, पी इज अ 0.3 -3 एंड क्यू इज अ 0.15, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, लेंथ का आपको फार्मूला पता है, यू नाउ द फार्मूला ऑफ लेंथ, y2 - y1 और का स्केयर प्लस x2 - x1 का स्केयर। ठीक, इधर अब हम वैल्यू राइट डाउन करेंगे और जो है ना ये लेंथ फाइंड। वेरी सिंपल, 1 - 3 का स्केयर प्लस 5 - -3 का स्केयर। ठीक, ये हमारे पास आ गया -2 का स्केयर आ गया 4, और इधर से भी प्लस 5 6 7 8, 8 का आ गया 64। ठीक है, और ये 68 का जो है ना वो हमने जो है ना वो अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, अंडर रूट 68 एंड वी गेट 8.234। ठीक है, आप इसको 8.25 भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसका अंडर रूट लेके आपको 8.25 जो है ना ये आपके पास आंसर आ गया। आपने लेंथ फाइंड आउट कर ली, अब आगे आपने फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, आपको पता है कि जो है ना वो एम एक्स प्लस सी होती है, इसकी जो है ना इसको पहले फाइंड करने के लिए आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, और फिर जो है ना ये सी फाइंड करने के लिए आपको जो है ना वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ने हैं। ठीक है, एम आया आपके पास स्लोप का जो है ना वो फार्मूला है, y2 - y1,
और एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वैल्यूज़ आप राइट डाउन कर लें, फाइव माइनस माइनस थ्री एंड वन माइनस थ्री, यू गेट एट ओवर माइनस टू एंड माइनस फोर, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया, स्लोप आ गई आपके पास माइनस वन, ये एम जो है ना आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप आपको पता है अगर परपेंडिकुलर आप उसका फैक्टर हो तो वो जो है ना नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, तो ये फिर हमारे पास परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल की जो है ना स्लोप वो वन बाई फोर आ गई, ठीक, स्लोप आपके पास वन बाई फोर आ गई। अब आपने फाइंड करना है ये कॉन्स्टेंट सी ना, उसके लिए जो है ना वो आप जो है ना मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट का जो है ना वो फार्मूला आपने इस लाइन का जो है ना पी क्यू की मिड पॉइंट जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है, ये वैल्यूज़ राइट डाउन करके जो है ना वो आप मिड पॉइंट जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स वन है आपके पास थ्री और वाई वन वन ओवर टू और वाई वन है आपके पास माइनस थ्री प्लस फाइव ओवर टू, ठीक है, फोर ने टू को डिवाइड किया यू गेट टू और ये माइनस टू ने टू को डिवाइड किया वी गेट प्लस सॉरी पॉजिटिव टू, फाइव में से थ्री माइनस किया टू, फाइव में से थ्री माइनस किया टू एंड टू डिवाइडेड बाई टू वी गेट वन, ठीक है, ये हमारे पास आगे मिड पॉइंट टू एंड वन, ठीक। अब जो है ना आपने इसको जो है ना इस इक्वेशन में जो है ना वो राइट डाउन करना है, ठीक है, वाई ये सी ये वाली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में ना, ये अब आप सी जो है ना वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जी ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से जो है ना आपको वैल्यूज़ पता चल रही है टू और वन, ये आप इसमें जो है ना ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो है ना वो राइट डाउन कर दें, वाई है आपके पास जो है ना ये वन आ रहा है और एम बी आपके पास वन बाय फोर और एक्स की जो वैल्यू है ना वो है टू, ठीक, प्लस सी, इसने इसको कैंसिल किया वन बाय टू और सी जो है ना वो उधर जाके जो है ना ये सी आपके पास हो गया सी, ये इधर वन चले इस तरह वन बाय टू वन, ठीक, ये हो गया। अब सी जो है ना ये इधर और ये वन बाई टू उधर गया, ये इससे माइनस होगा, ठीक है, वन बाई टू ने जो है ना वो टू को माइनस किया वी गेट वन बाई टू, ठीक है, ये आपके पास सी की भी वैल्यू आ गई, स्लोप भी आपने फाइंड आउट कर ली, इस इक्वेशन में हम राइट डाउन करेंगे तो हमारा जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू वन बाय फोर एक्स, ठीक, प्लस वन बाय टू, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना इसकी जो है ना बाई इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू की, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो सॉल्व एंड दिस पेपर इज फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। टेक केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।